नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान का निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा की एक सीट के बारे में, जिसको लेकर एनडीए में पेंच फंस गया है। चुनाव आयोग ने बिहार में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इस एक सीट के लिए उपचुनाव 14 दिसंबर को होना है। यह सीट केंद्रीय मंत्री और लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई थी। आपको बता दें कि यह सीट 8 अक्टूबर को समाप्त हुई थी। इस सीट का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 तक है। रामविलास पासवान 2019 में इस सीट निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। चुनाव आयोग की तरफ से जारी बयान के अनुसार चुनाव के लिए 26 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी, 3 दिसंबर तक नामांकन पत्र दाखिल होगा और 4 को इसकी जांच होगी, 7 दिसंबर को नाम वापस लिए जा सकते हैं, इसके बाद जरूरी हुआ तो 14 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। आपको बता दें कि मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। उसी दिन 5 बजे से वोटों की गिनती होगी और परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा की एक सीट पर 14 दिसंबर को उपचुनाव होगा। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा कोटे से खाली हुई सीट के लिए अब पेच एनडीए में फंस गया है। रामविलास पासवान के निधन के बाद बिहार में राज्यसभा की खाली हुई सीट पर दावेदारी को लेकर असमंजस है। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजना चाहते हैं, लेकिन इसमें पेंच फंस गया है। आपको बता दें कि एनडीए में सीटों के तालमेल को लेकर रामविलास पासवान को लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया था। केंद्र में बीजेपी और लोजपा का गठबंधन है, लेकिन बिहार में बीजेपी और जदयू के साथ गठबंधन है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में लोजपा इस गठबंधन से अपने आप को अलग कर ली और लोजपा ने अकेले चुनाव लड़ा था। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद खाली हुई इस सीट पर बीजेपी और जदयू क्या लोजपा का समर्थन करती है या नहीं। आपको बता दें कि रामविलास पासवान बीजेपी और जदयू के सहयोग से साल 2019 में निर्विरोध चुनाव जीत गए थे। इस सीट का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 तक का है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में लोजपा के चलते जदयू को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इस चुनाव में 54 सीटें ऐसी थी जिस पर लोजपा ने सभी राजनीतिक पार्टियों को नुकसान पहुंचाया है, जिसमें से 25 ऐसी सीटें थीं जहां जदयू को सीधा नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प है कि बीजेपी क्या करती है। विधानसभा चुनाव से पहले ही लोजपा लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रही है। इसी का नतीजा यह हुआ कि विधानसभा चुनाव में जदयू मात्र 43 सीटों पर सिमट कर रह गई। चुनाव परिणाम आने के बाद चिराग पासवान ने मीडिया में बयान देते हुए कहा था कि हम अपना काम करने में सफल रहे। ऐसे में अगर बीजेपी इस सीट पर रामविलास पासवान की पत्नी को चुनाव मैदान में उतारती है तो नीतीश कुमार को मनाना बड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में इस बात की चर्चा भी तेज है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार की दोस्ती अच्छी है। ऐसे में अगर सुशील कुमार मोदी पर बीजेपी और जदयू की सहमति बन सकती है। ऐसे ही ताजा तरीन वीडियो के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।